साजिश के तहत डुबोई गई दिल्ली, हथिनी कुंड से पानी केवल दिल्ली क्यों छोड़ा गया, आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप। दिल्ली में बाढ़ का पानी अभी उतरा भी नहीं था कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक जानबूझकर दिल्ली को डुबाया गया और हथिनी कुंड का सारा पानी यमुना में डाल दिया गया। भले ही दिल्ली में यमुना का जल स्तर गिर रहा है, लेकिन कई जगह पानी में डूबी हुई है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम होने के बावजूद कई जगहों पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और कई इलाके अभी भी बाढ़ के पानी में दबे हुए हैं। कई इलाकों में कई लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। एनएसी न्यूज इंडिया। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथिनी कुंड बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था 14 जुलाई फ्राइडे के दिन। मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं दो तीन फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी सारा के सारा। मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और काफी जो फ्लो है। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है।